क्या आप जानते हैं गाइज इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं गाइज, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके एंड पर एस लगाने से गाइज उनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल बदल जाता है गाइज। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये यूनिक चीज़ में कैसा होता है गाइज और इंग्लिश लैंग्वेज में कहाँ पर हम एस लगाने से उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है, अगर आप जानना चाहते हैं गाइज इस वीडियो को देखते रहिए गाइज। माय नेम इज सैम एंड यू आर वॉचिंग सेम स्पोकन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड है गाइज स्वीट। स्वीट का मतलब होता है गाइज मीठा। और अगर मैं इसका सेंटेंस बताऊँ गाइज, मैंने बोला कि मुझे मीठा पसंद नहीं है, तो मैं बोलूंगा गाइज आई डू नॉट लाइक स्वीट। तो यहां पर जो स्वीट का मीनिंग है गाइज वो है मीठा। नेक्स्ट वर्ड है गाइज स्वीट्स। अगर स्वीट में हम एस लगा देते हैं तो गाइज बन जाता है स्वीट्स, और यहां पर इसका मीनिंग है गाइज वो है मिठाई। तो गाइज स्वीट्स का मतलब होता है मिठाई और स्वीट का मतलब होता है गाइज मीठा। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे मिठाई पसंद है, तो कैसे बोलूंगा गाइज, मैं बोलूंगा आई लाइक स्वीट्स। तो स्वीट्स का मतलब हो गया गाइज यहां पर मिठाई। नेक्स्ट वर्ड है गाइज ग्लास। देखिए गाइज ग्लास दो तरह के होते हैं गाइज, एक पानी का जो हम ग्लास होता है उसको भी उसको हम ग्लास नहीं बोलते, उसको हम कुछ और बोलते हैं गाइज। ये जो ग्लास होता है गाइज ये होता है जैसे जो शीशे का जो ग्लास होता है उसको हम ग्लास बोलते हैं गाइज। तो जैसे मैंने बोला कि मैं ग्लास नहीं तोड़ता हूँ, तो कैसे मैं बोलूंगा गाइज, मैं बोलूंगा आई डू नॉट ब्रेक द ग्लास। तो यहाँ पर जो ग्लास यूज किया गया है गाइज वो यूज किया गया है शीशे की सेंस में। नेक्स्ट वर्ड है गाइज ग्लासेस। ग्लासेस का मतलब होता है गाइज चश्मा। जैसे हम जो चश्मा डालते हैं गाइज उसको हम बोलते हैं ग्लासेस। तो अगर मैं सेंटेंस को बोलूं कि मैंने चश्मा नहीं खरीदा, तो कैसे बोलूंगा गाइज, मैं बोलूंगा आई डिड नॉट बाय ग्लासेस। तो यहां पर जो ग्लासेस यूज किया गया है गाइज वो यूज किया गया है चश्मे की सेंस में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज सक। सक का मतलब होता है गाइज चूसना। किसी भी चीज को हम चूसते हैं तो गाइज वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं सक। तो जैसे मैंने बोला कि कुछ लोग अंगूठा चूसते हैं, तो कैसे बोलूंगा गाइज, मैं बोलूंगा सम पीपल सक देयर थंब। अगर मैं बात करता हूं गाइज सक्स की, तो सक्स यहां पर मैंने सक्स बोला गाइज, यहां पर मैंने एस को ऐड कर दिया, तो यहां पर इसका जो मीनिंग है गाइज वो है परेशान करना। किसी को भी आप परेशान करते हो तो गाइज वहां पर हम सक्स यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे परेशान मत करो, तो मैं बोलूंगा गाइज डोंट सक्स मी। तो यहां पर जो सक्स यूज किया गया है गाइज वो यूज किया गया है परेशान की सेंस में गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज गाय। गाय का मतलब होता है गाइज एक लड़का। तो जैसे मैंने बोला कि एक लड़का कोने में वेट कर रहा है, तो कैसे बोलूंगा ए गाय इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, कि जो एक लड़का कॉर्नर में वेट कर रहा है। तो गाय का मतलब हो गया गाइज यहां पर एक लड़का। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज गाइज के बारे में। गाइज का मतलब होता है गाइज लोग। तो जैसे मैंने बोला कुछ लोग सेमिनार हॉल में बैठे हुए हैं, तो कैसे बोलेंगे गाइज, हम बोलेंगे पीपल्स आर सिटिंग इन द सेमिनार हॉल। तो यहां पर जो गाइज यूज किया गया है गाइज यहां पर उसका जो मीनिंग है वो है यहां पर लोग, और गाय का मतलब होता है गाइज लड़का। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज टिप। देखिए गाइज आप होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो गाइज वहां पर वेटर को जो टिप देते हैं गाइज उसको बोलते हैं बक्सीस। दैट मींस जो आप उसको देना चाहते हैं गाइज खुले पैसे नहीं है, कहते हैं हम जो एक सेंटेंस में बोलते हैं कीप द चेंज। कीप द चेंज का मतलब है गाइज कि जो खुले पैसे बचे हैं उनको अपने पास रख लेना। तो जो टिप देते हैं गाइज उसको हम बोलते हैं बक्सीस। जैसे मैंने बोला गाइज कि उसने वेटर को टिप नहीं दी, तो सेंटेंस को अगर कैसे बोलेंगे गाइज, हम बोलेंगे ही डिड नॉट टिप टू द वेटर। कैसे बोलेंगे गाइज, ही डिड नॉट टिप टू द वेटर। तो इस तरह से हमने बोला। अगर मैं बात करता हूँ गाइज टिप्स के बारे में, तो टिप्स का मतलब होता है गाइज यहाँ पर सलाह। तो जैसे मैंने बोला कि हमें आपकी सलाह की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे वी नीड योर टिप्स। तो यहाँ पर जो टिप्स यूज किया गया इसका मतलब है गाइज यहाँ पर सलाह। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज ग्रीन। ग्रीन का मतलब होता है गाइज हरा, और यहाँ पर गाइज की सेंस में यूज किया गया। जैसे मैंने बोला कि मुझे हरा कलर पसंद नहीं है, तो इस सेंटेंस को गाइज मैं बोलूंगा आई डू नॉट लाइक ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या हो गया गाइज यहाँ पर, कि मुझे जो हरा कलर है वो पसंद नहीं है। अगर गाइज मैं ग्रीन में एस लगा देता हूँ तो बन जाता है गाइज ग्रीन्स, और ग्रीन्स का मतलब होता है गाइज हरा साग। देखिए गाइज हमारे विलेजेस में या हमारे शहरों में भी बनता हुआ है, तो वहाँ पर जो साग बनता है गाइज वो जो हम एक जो बथुआ पालक जो मिक्स करके हम बनाते हैं गाइज उसको हम बोलते हैं साग। तो हरा जो साग बनता है गाइज वो बहुत टेस्टी होता है गाइज, उसको खाना भी चाहिए तो बहुत हेल्दी होता है सेहत के लिए गाइज। तो वहाँ पर जो बनता है गाइज उसको बोलते हैं ग्रीन्स, और ग्रीन्स का मतलब होता है गाइज हरा साग। मैं गाँव में हरा साग खाया करता था, तो कैसे बोलेंगे गाइज आई यूज टू ईट ग्रीन्स इन द विलेज। तो यहाँ पर जो ग्रीन्स है गाइज उसका मतलब होता है हरा साग जो हम बनाते हैं गाइज घर में। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज गट। गट का मतलब होता है गाइज जो हमारे पेट में जो आंतें होती हैं गाइज उनको बोलते हैं गाइज हम गट। तो गट का जो मतलब किस तरह से हम यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि आंतें हमारे पेट के अंदर होती हैं, तो कैसे बोलेंगे गाइज, हम सेंटेंसेस को बोलेंगे गट टेक प्लेस इनसाइड अवर स्टोमच। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पर गट्स, तो गट्स का मतलब होता है गाइज हिम्मत। हिम्मत कह सकते हैं गाइज, जैसे मैंने बोला कि आपके अंदर गट्स हैं, तो कैसे बोलूंगा हैव यू गट्स। तो गट्स का मतलब हो गया गाइज यहाँ पर हिम्मत। हिम्मत से आप क्या समझते हैं गाइज, कि सामर्थ्य है इतना कोई भी काम करने का। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज
यहां पर जो वर्ड है गाइस व्हाइट, व्हाइट का मतलब होता है गाइस स्पेद, और जैसे मैंने बोला कि मुझे स्पेद कलर पसंद नहीं है, तो कैसे बोलूंगा गाइस, मैं बोलूंगा आई डू नॉट लाइक व्हाइट कलर। तो व्हाइट का मतलब होता है गाइस यहां पर सफेद। अगर हम इसको गाइस व्हाइट्स कर देते हैं, व्हाइट में एस लगा देते हैं, तो इसका मीनिंग है गाइस बिल्कुल बदल जाता है। और यहां पर व्हाइट्स का मतलब होता है गाइस अंग्रेज या ब्रिटिशर जो लोग होते हैं गाइस, उनको हम क्या बोलते हैं गाइस, व्हाइट्स बोलते हैं। जैसे गाइस मैं बोला कि मैं अंग्रेजों से मिलूंगा, तो कैसे बोलूंगा गाइस, आई विल मीट विद व्हाइट्स। तो यहां पर गाइस कभी भी सेंटेंस आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स में मिलते हैं आई विल मीट विद व्हाइट्स, तो यहां पर जो व्हाइट्स यूज किया है गाइस वो यूज किया गया है यहां पर गाइस कि किसी ब्रिटिश पीपल के लिए। तो ये कुछ सारे सारे शब्द थे गाइस जिनको ऐसे लगाने से उनका मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस, अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस वीडियो को शेयर कर दीजिए गाइस, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए गाइस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।